सीमा हैदर की मदद करने वाले सचिन के रिश्तेदारों को पुलिस ने धर दबोचा। सचिन के दोनों रिश्तेदार चला रहे थे एक बड़ा रैकेट। दोनों आरोपियों की बुलंदशहर से हुई गिरफ्तारी। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आए सीमा हैदर की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल इस केस में पुलिस तमाम सबूतों के साथ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत कोर्ट में सुनवाई के बाद सीमा को जेल जाना पड़ सकता है। वहीं पुलिस ने सीमा हैदर और उसके चार बच्चों के कागजात और पासपोर्ट की जांच करने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी भेजे हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारियों से पूछा गया है कि क्या सीमा हैदर उनके देश की हैं और दस्तावेज सही हैं या नहीं। इसी बीच एक खबर आ रही है कि नोएडा पुलिस ने बुलंदशहर से सचिन के दो रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के लिए नकली पहचान पत्र बनाए थे। आरोप है कि इन्हीं पहचान पत्रों के आधार पर सीमा और सचिन आगे की तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें कि बुलंदशहर से गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुष्पेंद्र मीणा और उसके भाई पवन के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 15 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आरोपियों से पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ चल रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी एक बड़े फर्जी दस्तावेज रैकेट का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल इन आरोपियों के बारे में पुलिस को उस समय भनक पड़ी जब अधिकारी सीमा हैदर को खोजती हुई ग्रेटर नोएडा पहुंची। सीमा के साथ पति सचिन मीणा भी थे। दोनों शादी करने के इरादे से बुलंदशहर गए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि पुष्पेंद्र और पवन बुलंदशहर के अहमदगढ़ में एक जनसेवा केंद्र चलाते थे, जहां कथित तौर पर अवैध गतिविधियां चल रही थी। इसी केंद्र पर सचिन मीणा और सीमा हैदर ने अपनी शादी के लिए जरूरी दस्तावेज बनाने की मांग की थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।